हाँ जी, आज आपको अपडेट देंगे VFS के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने अपनी टूरिज्म वीज़ा स्टार्ट कर दी है। और साथ में सी कैटेगरी की बात करें, डी कैटेगरी की बात करें, तो वहाँ पे आप वर्क करने जाना चाहते हो, वर्क वीज़ा आप देख रहे हो, या स्टूडेंट वीज़ा देख रहे हो, या PR वीज़ा देख रहे हो, या स्पाउस वीज़ा देख रहे हो, ऑलमोस्ट सब कैटेगरी के लिए उन्होंने VFS सेंटर इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में स्टार्ट कर दिया है। तो आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि एशिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज ने जो शुरुआत कर दी है वो किस किस चीज़ के लिए करी है। तो बिल्कुल आपको आज फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज ने सी कैटेगरी वीज़ा और डी कैटेगरी वीज़ा स्टार्ट कर दी है। तो आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम आया तो जस्सी पंजाबी के चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। तो फुल वीडियो देखो और एंजॉय करो। टाटा अपना जस्सी पंजाबी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे टूरिज्म के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदे फ्रस्ट्रेट है यहाँ से, इंडिया से जाने के लिए, घूमने जाना चाहते हैं, या वहाँ पे टेम्परेरी रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वहाँ पे कोई वर्क करने जाना चाहते हैं, या स्टडी करने जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूके के लिए कि यूके की ऑल कैटेगरी बहुत सारी सिटीज़ में स्टार्ट हो चुका है। जैसे पंजाब की बात करें, जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोची, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, मुंबई और बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ में स्टार्ट हो चुका है। और साथ में आयरलैंड का लॉन्ग टर्म वीज़ा चल रहा है, तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाता है तो उसके वीज़े से आप आयरलैंड भी जा सकते हो। और बाकी इजिप्ट जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, आपके लिए खुशखबरी है, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए कोई भी आपको क्वेरी हो, कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और नेक्स्ट बात करेंगे ब्राज़ील के लिए, क्योंकि ब्राज़ील का वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा रहा है, स्टिकर वीज़ा दे रहा है, और इसके लिए आपको एम्बेसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए करते हो, फुल डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हो, यूके के लिए करते हो, देन उसके बाद आप VFS में जाते हो अपनी फाइल वही सबमिट कराने, तो ऐसे ही ब्राज़ील के लिए होगा। और नेक्स्ट बात करेंगे यूक्रेन के लिए, तो यूक्रेन ई वीज़ा दे रहा है, जिन्होंने यूक्रेन जाना है तो वो अब जा सकता है। उसकी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है, अभी 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे रहा है, 6 मंथ का, तो अभी 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे रहा है। बबल्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया इनका हमारी कंट्रीज़ के साथ, तो बिल्कुल अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूक्रेन घूमने जाना चाहते हो तो। और बाकी यहाँ पे भी आप TRP अप्लाई कर सकते हो, तो जिन्होंने TRP भी लेनी है, या वहाँ का रेसिडेंशियल कार्ड चाहिए, या वहाँ से आपको बड़ी कंट्री में मूव होना है, ये यूक्रेन काफ़ी पावरफुल कंट्री है, तो उसके TRP कार्ड से आप अपनी फैमिली को भी वहाँ सेट कर सकते हो, या वहीं पे अपना बिजनेस या वहाँ पे जॉब कर सकते हो, या आपको शेनिकन में एंटर होना है, या यूके में एंटर होना है, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए आप देख रहे हो वीज़ा, इंडिया से नहीं लग पा रहा, तो यूक्रेन आपका ड्रीम पूरा करेगा, 6 मंथ के अंदर आपको TRP दे देता है वो। और बाकी नेक्स्ट बात करेंगे कंबोडिया के लिए, तो कंबोडिया का भी ई वीज़ा मिल रहा है, तो जिन्होंने बैंकॉक जाना है, वियतनाम जाना है, तो कंबोडिया का भी से वीज़ा लेके रख ले, वो 3 मंथ का वीज़ा वैलिडिटी होता है, तो नए साल में जैसे ही आप घूमने जाना चाहो तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और बाकी बैंकॉक का भी वीज़ा मिल रहा है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपने सोलो जाना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और नेक्स्ट बात करेंगे सर्बिया के लिए, तो बिल्कुल सर्बिया जिन्होंने जाना है, तो दुबई ने ट्रांजिट वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था, वीज़ा नहीं लेना चाहते थे तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि हम उस कंट्री में रुकेंगे, 2 दिन जाएंगे, या दुबई में हम नहीं जाना चाहते घूमने के लिए, हमें सीधा सर्बिया जाना है, तो आप वन साइड का ट्रांजिट वीज़ा ले लेना, सर्बिया घूमने के बाद जब आपको वहाँ कंफर्टेबल लगे तो देन दूसरा आप ट्रांजिट वीज़ा लेके आप इंडिया आ सकते हो वाया दुबई से। और सर्बिया के लिए इस मंथ के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, दुबई से फ्लाइटें जा रही है, सारी ऑपरेट हो रही है, तो आप सर्बिया जाना चाहते हो तो ट्रांजिट वीज़ा लेके दुबई का जा सकते हो, ये वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन पासपोर्ट के लिए। और साथ में नेक्स्ट बात करेंगे बेलारूस यूरोप के लिए, तो बिल्कुल जिन्होंने बेलारूस के लिए फाइल अप्लाई करनी है, उसका स्टिकर वीज़ा लग रहा है, 3 मंथ की आपकी वैलिडिटी होगी, तो 3 मंथ में आप कभी भी जा सकते हो, ये यूरोप में पड़ता है, पोलैंड के बॉर्डर के साथ लगता है बेलारूस, आप मैप में देख लेना आपको पता चल जाएगा। और इसका वीज़ा आपको मिल गया तो शेनिकन वीज़ा भी डेफिनेटली मिल जाएगा। और जिनको लग रहा है कि मेरा तुर्की का वीज़ा नहीं लग पा रहा, तो बेलारूस का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है, और इसके डॉक्यूमेंटेशन वेरी लेस चाहिए। और नेक्स्ट बात करेंगे रोमानिया के लिए, तो बिल्कुल रोमानिया में आप जाना चाहते हो तो इसका ई वीज़ा मिल रहा है, और इसकी वीज़ा कॉस्टिंग भी काफ़ी कम है, तो इसके लिए किसी को जानना है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सअप पे। इसका 3 मंथ का वैलिडिटी का ई वीज़ा मिलेगा, और यहाँ पे भी आप अपनी TRC अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से कोई भी
अदर कंट्रीज में जा सकते हो। जैसे 5-6 महीने आपने वहाँ पे रह लिया, देन उसके बाद वहाँ की आपकी प्रोफाइल बन गई, वहाँ पे बैंक स्टेट में आपकी सैलरी आ रही है या वहाँ पे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहीं पे आप TRC के बिहाफ से कोई दूसरी कंट्री में आप जा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे लेबनान की, वो स्टिकर वीज़ा दे रहा है, ये तुर्की के पास पड़ता है, इराक के पास पड़ता है, जिन्होंने यहाँ पे जाना है तो यहाँ की भी TRC आपको मिल सकती है, बट उसके लिए आपको एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये VFS के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट बात करेंगे तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की का इस टाइम वीज़ा सक्सेस रेट्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, तुर्की आपने जाना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल का वीज़ा मिल रहा है, सिंगल एंट्री वीज़ा मिल रहा है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है, तो अभी उसका वीज़ा लेके रख लो, देन उसके बाद कभी भी आपको जाना हो 6 मंथ में, 3 मंथ में या 8 मंथ में, कभी भी आपको जाना है तो आप जा सकते हो, या तुर्की से आप दूसरी कंट्री में भी जाना चाहोगे तो बिल्कुल आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप UK, अमेरिका या किसी भी अदर कंट्रीज़ का वीज़ा लगाते हो तो तुर्की का वीज़ा आपके पासपोर्ट में होगा, तो इसमें वीज़ा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आप तुर्की का वीज़ा देख रहे हो तो ऑलमोस्ट बहुत सारे वीज़ा लग रहे हैं गाइस, तो तुर्की के लिए किसी को भी कोई भी इंक्वायरी है तो मेरे से व्हाट्सअप कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग, तो वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तुर्की के लिए, और अभी तुर्की का वीज़ा लगवा के रख लूँ गाइस। और नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिका के लिए, जो अमेरिका भी ने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर उन्होंने स्टार्ट करा, जैसे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या जिनका एक्सपायर होने वाला है वीज़ा, तो वो जाके अपना दोबारा स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, 10 साल का PR होल्डर है या स्टूडेंट है उनको वीज़ा लगवाना है, तो अमेरिका का VFS सेंटर अलग अलग सिटीज़ में स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली में भी स्टार्ट हो चुका है, और इसकी पासपोर्ट पासबैक सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी है। पहले आपने अपना पासपोर्ट दिया था वीज़ा लगने के लिए, अब आपको आपका पासपोर्ट नहीं मिला तो VFS अमेरिका के कस्टमर केयर में कॉल करके आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में ऑस्ट्रेलिया के लिए बता देता हूँ, आपने विजिटर वीज़ा लगाना है या स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है तो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, और न्यूजीलैंड वालों ने अभी बंद करा हुआ तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में आप स्टडी करने जाना चाहते हो तो उसका वीज़ा भी लेकर रख लो, नेक्स्ट ईयर से ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, और बाकी मालदीव जिन्होंने जाना है वो वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो जा सकता है। बाकी मैं लिस्ट बना दूंगा वीज़ा ऑन अराइवल कौन कौन सी कंट्रीज़ के इंडियन पासपोर्ट को मिल रहा है, तो उसके लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, तो आने वाले 1 वीक के अंदर मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में। अब बात करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग कैटेगरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन परेशान है कि फैमिली वीज़ा हमने लगवाना तो हम लगवा सकते हैं। आप इटली के लिए देख रहे हो तो फैमिली वीज़ा वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, री एंट्री वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं, और स्विट्जरलैंड के लिए भी स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं कि री एंट्री वीज़ा नेदरलैंड और प्लस इटली दे रहे हैं। तो आपका कोई भी कैटेगरी का वीज़ा हो, सी कैटेगरी हो या डी कैटेगरी का वीज़ा हो, तो आपने री एंट्री वीज़ा लेना है तो ले सकते हो, तो उसके लिए आपको दिल्ली VFS सेंटर में जाना पड़ेगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और उसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन मिल रही है, तो बट उसके लिए आपको एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको मेल करनी पड़ेगी, देन उसके बाद बहुत ईजी प्रोसेस है, उसके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं गाइड कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जापान जिन्होंने जाना है तो मैं बता रहा था, पंजाब में तो ऑलरेडी बहुत सारी कैटेगरी उनकी चल रही है लॉन्ग कैटेगरी, बाकी शॉर्ट से कैटेगरी और लॉन्ग कैटेगरी उन्होंने चेन्नई में शुरुआत कर दी है, तो VFS सेंटर में जाके अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हो। और बाकी साउथ कोरिया का लॉन्ग कैटेगरी वीज़ा चल रहा है, बिजनेस वीज़ा चल रहा है, और साउथ कोरिया का आपको लगवाना है तो न्यू दिल्ली लगवाना पड़ेगा। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ लेबनान या जॉर्डन के लिए आपने फाइल अपनी प्रोसेस करी थी मार्च से पहले, तो पासपोर्ट पासबैक सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए आप VFS सेंटर में कॉल करना, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, बाय कोरियर आपको पासपोर्ट मिलेगा। और साथ में एस्टोनिया का भी लॉन्ग कैटेगरी वीज़ा, शॉर्ट से कैटेगरी वीज़ा, कोची, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने एस्टोनिया जाना है तो आप जा सकते हो, ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा, शॉर्ट से का मतलब फैमिली वीज़ा, या आपकी कोई इमरजेंसी है तो आपने सी कैटेगरी वीज़ा लेना है तो आप जा सकते हो, बाकी बिजनेस वीज़ा भी सी कैटेगरी में आता है। और साथ में आपको ऑस्ट्रिया के लिए बता देता हूँ, बांग्लादेश वालों के लिए खुशखबरी है कि बांग्लादेश में ऑस्ट्रिया की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लेना उन्होंने शुरुआत कर दिया, और बाकी नेपाल की तो बहुत सारी शैनिकन कंट्रीज़ ने शुरुआत कर दी है, यहाँ तक टूरिस्ट वीज़ा भी लेना शुरुआत कर दी है, तो आप देख लो VFS सेंटर नेपाल से बात करके, वो कहता है कि हाँ आप नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हो अपनी फाइल, तो नेपाल के लिए तो इंडिया वालों के लिए जाना बहुत ईजी है। बाकी आपको कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से डिस्कस ज़रूर कर लेना। और साथ में चेक रिपब्लिक की लॉन्ग कैटेगरी वीज़ा चल रही है, अभी शॉर्ट से कैटेगरी उनकी शुरुआत नहीं हुई है, और हो सकता है नवंबर मंथ में वो बहुत सारी कैटेगरी शुरुआत कर दे, ऑलमोस्ट डी कैटेगरी सब ने शुरुआत कर दी है, सारी शैनिगन कंट्री ने शुरुआत कर दी और बहुत सारी अदर कंट्रीज ने शुरुआत कर दी, अब बारी है सी कैटेगरी वालों के लिए, टूरिस्ट वालों के लिए, क्योंकि हर कंट्री को लॉस हो रहा है, नया साल उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रिसमस उनका मेन त्यौहार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा पर्सन ट्रैवलिंग करते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, और यही सबसे अच्छा टाइम होता है,
उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो डे बाय डे शेनिकन कंट्रीज की मीटिंग चल रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हमें देखने को मिलेगी बहुत सारी शेनिकन कंट्री ओपन कर देगी टूरिज्म वीज़ा, क्योंकि री एंट्री तो उन्होंने शुरुआत कर दिया, डी कैटेगरी सारी शुरुआत कर दिया, अब बची बस सी कैटेगरी वीज़ा टूरिस्ट वालों के लिए, तो वो भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ा रिगार्डिंग, या आपको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। तो अभी के लिए दो इजाज़त, ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए जस्सी पंजाबी ऑलवेज अवेलेबल मिलेगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे नई नई इन्फॉर्मेशन मैं डेली आपके साथ शेयर करता रहूँ।